स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जनरल स्टोर और कॉस्मेटिक सामान के गोदाम में लगी भीषण आग, आधी रात को लालमाटी गोपाल होटल के पास हुई घटना, गोदाम में रखा सामान हुआ खाक। डैमरभीटा के पास वन्य प्राणियों के लिए बिछाए गए फंदे में फंसकर हुई तेंदुए की मौत के मामले में वन विभाग ने 3 संदेहियों को दबोचा, ट्रेस डॉग की मदद से शिकारियों तक पहुंची वन विभाग की टीम। शनिवार को मृत हालत में मिला था तेंदुआ। और सातवें दिन भी जारी रही रेल कर्मियों की क्रमिक भूख हड़ताल, कोचिंग डिपो में 3 कर्मचारियों का जत्था भूख हड़ताल पर बैठा, मांगे पूरी न होने पर कर्मचारियों ने दी काम के बहिष्कार की चेतावनी। घंटा घर के पास कराया जा रहा सीवर लाइन का कार्य बदहाली का शिकार है। सीवर लाइन कार्य को पूर्ण हुए 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं कराई जा रही है, जिसकी वजह से राहगीर परेशान हैं। धूल के गुब्बार के कारण लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। नौदरा ब्रिज से घंटाघर तक स्मार्ट सिटी द्वारा कराया जा रहा सीवर लाइन और स्मार्ट रोड का कार्य बदहाली का शिकार है। बेहद धीमी गति और लापरवाही पूर्ण तरीके से कराए जा रहे इस कार्य की वजह से क्षेत्रीय लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। धूल के गुब्बार लोगों को बीमार कर रहे हैं और सड़क के गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। सर, ये अपना तैया वाली से जो 20 से घंटाघर को रोड आती है वो रोड है सर। अब यही बहुत दिन से सर ऐसे ही फैला है, पूरा घूम के जाना पड़ता था। अब ये तो थोड़ा पानी कम हुआ, नहीं तो पानी भी भरा रहता है यहाँ पे। क्या परेशानी जा रही है सर? ये अप डाउन में सर समथिंग मेरे को तो डिलीवरी करते 4-5-6 महीने से ज़्यादा हो गया, यही हाल है। मतलब चालू ही नहीं हो रहा है, फिर अभी कुछ दिन बाद और बंद हो जाएगी। सर काम होना चाहिए स्पीड में, अब लेकिन पता नहीं काम कैसा हो रहा है। बहरहाल सीवर लाइन कार्य के ठेके की मुख्य शर्त ये है कि सीवर लाइन के पाइप बिछाए जाने के बाद ठेकेदार को सड़क का रिस्टोरेशन कराना है, लेकिन यहाँ अधिकारियों द्वारा ठेकेदार कंपनी के साथ निभाई जा रही दोस्ती खारी पड़ रही है। विश्व यादगार दिवस पर यातायात विभाग और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ISBT में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए सेमिनार आयोजित किया गया, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत होने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। सेमिनार के दौरान ट्रैफिक एएसआई संजय अग्रवाल ने लोगों को ट्रैफिक नियमों से संबंधित जानकारी दी और सड़क हादसों के कारण और बचाव के बारे में विस्तार से बताया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पनागर में जनजागरण रैली निकाली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आसमान छूती महंगाई के कारण जनता का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन प्रदेश और केंद्र सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। पनागर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ पैदल मार्च निकाला। इस जनजागरण रैली में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महंगाई और बेरोजगारी के कारण मध्यम एवं गरीब परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। मूल्य वृद्धि के विरोध में पूरे प्रदेश में जनजागरण यात्रा निकाली जा रही है। उसी तारतम्य में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा महाराजपुर के सुहागी बाड़ में ये जनजागरण यात्रा निकाली जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जनता को राहत मिलने तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। पुलिस के लिए सिरदर्द बने चाइनीज चाकुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस ने नई रणनीति बनाई है। अब ऑनलाइन डिलीवरी देने वाली कंपनियों से संपर्क कर ऐसे लोगों की खोजबीन शुरू कर दी गई है जिन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर देकर चाइनीज चाकू खरीदी है। अधिकांश वारदातों में उपयोग हो रहे चाइनीज चाकुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए और उन्हें जब्त करने के लिए पुलिस ऐसी कंपनियों से संपर्क कर रही है जिनके द्वारा ऑनलाइन डिलीवरी दी जाती है। एक कंपनी ने तो पुलिस को लिखित आश्वासन भी दे दिया है कि उनके द्वारा अब चाइनीज चाकुओं की डिलीवरी नहीं दी जाएगी। तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने बात की ऑनलाइन वेबसाइट से और उनको बताया कि ये डिलीवरी वगैरह जो है ये इनके जो आर्म्स एक्ट के प्रावधान है उनके अनुरूप इसका उल्लंघन है। तो उन लोगों ने जो हमारी इस बात को हमारे जो पत्र है उसको स्वीकार किया और उन लोगों ने फ्लिपकार्ट ने जो जबलपुर की सीमा है जो भी हमने पिन कोड दिए उसमें उन्होंने वो चाकुओं की डिलीवरी बैन कर दी और उसके बाद पिछले 2 सालों में जो भी चाकू मंगाए गए हैं हमने उनसे लिस्ट मंगाई है और उसको सेग्रीगेट करके इन लोगों के पास एक एक लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उन लोगों की खोजबीन भी कर रही है जिन्होंने पूर्व में इस तरह के चाकू ऑनलाइन परचेस किए हैं।
कंचनपुर में रहने वाले एक विक्षिप्त ने न केवल राहगीरों पर पथराव कर उन्हें घायल कर दिया, बल्कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों को पत्थर मारे और उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने विक्षिप्त को पकड़कर मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। इमली चौराहा कंचनपुर में रहने वाले राजकुमार पटेल ने रविवार की रात अचानक राहगीरों और क्षेत्रीय जनों पर पथराव कर दिया। एकाएक हुए इस हमले से लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला और लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी और थाना प्रभारी के भी वाहन में पथराव कर दिया। इसके बाद वो घर में जा घुसा और दरवाजे पर करंट लगा दिया ताकि कोई घर में ना आ सके। विक्षिप्त राजकुमार को पकड़ने के लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। कैसे पत्थर मार रहा है, जलना भी हम दिखाते हैं ईटा से, ईटा पीड़ा पूरा मार रहा है, इसी टाइप की हरकत कर रहा है। थोड़ा सा ग्रसित विक्षिप्त व्यक्ति है, इसका नाम लता और राजकुमार पटेल है। उम्र इसकी करीबन 50-52 वर्ष है। इमली चौराहा कंचनपुर में रहता है और परिजन उसके घर छोड़ के चले गए हैं, आज ही गए हैं। जैसा कि क्षेत्रवासियों ने बताया, उसको मानसिक दौरा पड़ा तो उसने सड़क पर निकलने वाले काफ़ी लोगों के ऊपर अनावश्यक रूप से वही विक्षिप्तता की स्थिति में पथराव किया है। उससे कुछ लोग इंजर्ड हुए जिनका हम उपचार करा रहे हैं। गेट उसने अंदर से बंद कर लिया था और करंट भी लगा के रखा था कि कोई आ ना सके। तो आधारताल पुलिस ने विक्षिप्त को मेडिकल अस्पताल भिजवाया है और उसके परिजनों के आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। रीवा शटल ट्रेन के जनरल कोच में सीट पर बैठने को लेकर दो यात्रियों के बीच विवाद हो गया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक ने दूसरे यात्री को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। हालांकि रेल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रीवा शटल ट्रेन से सहपरिवार मैहर जा रहे सचिन विश्वकर्मा और विजय के बीच सीट को लेकर विवाद हो गया। इस बीच विजय ने चाकू निकालकर सचिन पर वार कर दिया। इस घटना से ट्रेन के जनरल कोच में अफरा तफरी मच गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद आरपीएफ कर्मी मौके पर पहुंचे और विजय को पकड़ लिया। वहीं घायल सचिन को उपचार के लिए मेडिकल ले जाया गया। तो फरियादी ने कहा कि ये जो सीट यहाँ जनरल डिब्बा है, यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। इस पर से उन्हें वाद विवाद हुआ और उसने जो है चाकू से निकालकर, अपनी जेब से निकालकर उसको बोगी के अंदर ही घायल कर दिया। आरोपी को जो है गिरफ्तार कर जो है जीआर पर न्यायालय पेश किया गया है। जीआरपी पुलिस के अनुसार इस मामले में कार्यवाही की जा रही है। गोहलपुर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और लगभग 3.5 लाख का मशरूका जब्त किया है। चोरों ने चोरी की 3 वारदातों का खुलासा किया है, जिसमें शांतिनगर क्षेत्र के निवासी आरक्षक के घर में की गई चोरी भी शामिल है। गोहलपुर पुलिस की गिरफ्त में 5 शातिर चोर आ गए हैं। इनसे हुई पूछताछ के दौरान क्षेत्र में हुई चोरी की 3 वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें रामपाल साहू के यहां और एक पुलिसकर्मी एवं उनके किराएदार के घर हुई चोरी भी शामिल है। थाना प्रभारी अरविंद चौबे के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपी नागेंद्र गुप्ता, मोनू विश्वकर्मा, आकाश कोष्टा, सुमित दाहिया और कार्तिक रजक गोहलपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और इनसे अभी चोरी की अन्य वारदातों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। 3 लाख से अधिक की रिकवरी हुई है, 3 लाख से अधिक रुपए के मशरूका की रिकवरी हुई है और जो कैश जब्त हुआ है और गाड़ी में जो उसके द्वारा 42,000 रुपये लगाए गए हैं वो अलग करीब 50,000 रुपये उसकी करीब वैल्यू है। चोरों के पास से सोने चांदी के जेवरात, 7,000 रुपये नकद सहित चोरी की रकम से खरीदी गई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। 14 नवंबर को पनागर थाना क्षेत्र के बमनोदा हाईवे पर मदन महल निवासी एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 4,000 रुपए सहित एक्टिवा गाड़ी और बटनदार चाकू बरामद हुआ है। परागर के बमनोदा में 14 नवंबर को मदन महल निवासी प्रदीप कोरी ने थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उनके साथ 4 युवकों ने लूट कर ली है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा घटना के बारे में पतासाजी कर तफ्तीश शुरू की गई और गश्त के दौरान हाईवे पर 2 लड़के संदिग्ध हालत में घूमते मिले, जिन्हें रोककर पूछताछ की गई और तलाशी ली तो उनके पास से बटनदार चाकू बरामद हुआ और पूछताछ के दौरान उन्होंने लूट करना स्वीकार किया, जिसके बाद उनके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 1 आरोपी नाबालिग है। सामान्य इन लोग जो इनकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष के अराउंड है और
वैसा कुछ बहुत विशेष कोई काम नहीं करते, मजदूरी का ही काम करते हैं ये लोग। एक प्रार्थी हैं, प्रदीप कोरी करके हैं प्रार्थी, और थाना मदन महल क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके साथ इन्होंने कार्य की थी घटना, जिसका खुलासा थाना पनागढ़ टीम ने किया है। लगभग इसमें 4,000 की जब्ती की है हम लोगों ने, और एक एक्टिवा है, एक मोटरसाइकिल है, एक बटनदार चाकू है, ये जब्त किया हुआ है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4,000 रुपए, बटनदार चाकू और एक्टिवा गाड़ी बरामद की है। शोभापुर स्थित महाकाली मंदिर में कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए समिति सदस्यों ने प्रशासन से इस मामले का पटाक्षेप कराने की मांग की है। समिति सदस्यों की माने तो राणा परिवार के द्वारा मंदिर में ताला लगा दिया जाता है, जिसके कारण श्रद्धालुओं को पूजा करने में बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। रविवार को भी समिति के द्वारा पूजन और हवन के साथ ही संतों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, लेकिन मंदिर के पट में लगा ताला नहीं खोला गया। बात करते मर्यादा पार कर रहे तुम लोग, 10 मिनट मंदिर खोलने में क्या हो रहा है, माई का पूजन करना है। अब हम लोग बुजुर्ग क्षेत्र के आए हैं, रोज रोज के तो आते नहीं, और क्या है, कोई वहाँ पर कोई वहाँ वो थोड़ी करना, जाके पूजा करना, वहाँ भगवान को भोग लगाना माता जी को। यहाँ पे काली मंदिर में कब्जा कर लिया है। यहाँ के संत जो बाबा जी थे, हरिबाबा थे, जिनको समिति द्वारा नियुक्त किया गया था पूजा पाठ के लिए, उनकी कोरोना के द्वारा मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु के बाद में बच्चू सिंह राणा ने अपने पूरे परिवार को यहाँ लाके और वहाँ हर जगह ताला डाल के कब्जा कर लिया है। और कब्जा के साथ साथ ये इनका कहना है, मुझे जबलपुर संत समाज, मैंने यहाँ पे मंदिर में कब्जा किया है, मुझे दुनिया की कोई ताकत यहाँ से नहीं हटा सकती। सभी जगह से श्रद्धालु लोग आते हैं, पर हमारे मंदिर में बच्चू सिंह राणा के परिवार ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से पूजा पाठ में हर चीज़ में परेशानी जाती है। हम चाहते हैं कि ये शासन के पास तक जाए बात हमारी, और हमारे जो मंदिर में जो डिस्प्यूट है, जो ऐसे लोग अवैध रूप से काबिज हैं, इनको यहाँ से अलग किया जाए। सिहोरा के ग्राम खलरी के पूर्व सरपंच राजेश पटेल और उनके भाई जय पर पुरानी रंजिश के चलते श्री राम शंकर, रज्जू, अभिषेक और नम्मू बर्मन ने लाठियों और रॉड से हमला कर दिया। हमले में घायल राजेश और जय को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने परीक्षण उपरांत राजेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।